ये स्टूडेंट्स टेक्निकल इशू की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। सो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पे स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स इन मैट्रिक स्पेसेस। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक इज ओपन एंड क्लोज सेट मैट्रिक स्पेसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर और व्हाट यू से ओपन बॉल, माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस ले रहे एक्स डी यानी मैट्रिक्स स्पेस, और इस एक्स ये जो एक्स सेट है इसके अंदर हम एक पॉइंट सपोज कर लीजिए एक्स ले लेते हैं और आर सपोज कीजिए ग्रेटर देन जीरो कोई भी रियल नंबर यानी रियल नंबर। So how we define this open sphere or open ball in a matrix space? So this is the notation S R L. Means to say this is open sphere. Open sphere. या आप इसको क्या कहेंगे open ball? जिसमें center जो होगा वो E होगा और radius उसका क्या आएगा? E जो होगा that is the center. And this R is the radius of the sphere. This R is the radius of the sphere. तो जो एस आर ए आपके पास आएगा वो आएगा सेट ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंगिंग टू दिस एक्स फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्स एंड ए इज इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स इस एक्स के बीच में और ए के बीच में डिस्टेंस जो है वो बस आर से लेस होना चाहिए। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं ओपन स्फीयर या ओपन बॉल। अब इसकी जो नोटेशंस हैं वो हम इसमें एक नोटेशन आप इसमें एस ए आर भी ले सकते हो, स्फीयर है तो एस ए आर होगा, या जैसे हम ओपन बॉल कह रहे हैं तो इसको बी आर और इधर ए ले सकते हैं, या फिर हमसे इसको कह सकते हैं बी ए आर बॉल है इसलिए हम फर्स्ट लेटर लेके इसको बी से डिनोट कर रहे हैं, स्फीयर इसलिए यहाँ पे हम इसको डिनोट कर रहे हैं। So this one is the set of all those x belong to x for which d x a less than r, जब x और a के बीच में डिस्टेंस r से लेस, तो उन सभी x का जो सेट आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी ओपन स्फीयर या ओपन बॉल कहलाएगी। और इसमें एक पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है कि जो a है दैट इज द सेंटर एंड दिस r इज द रेडियस, दिस r इज द रेडियस। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जैसे आपके ओपन स्फीयर ओपन बॉल है, तो सेम लाइन पे अगर हम बात करते हैं क्लोज स्फीयर या क्लोज बॉल, चलिए हम बात करते हैं क्लोज स्फीयर और क्लोज बॉल।
डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हम जैसे एक्स डी मीट्रिक स्पेस है ये लेके चलेंगे, ए बिलोंग्स टू एक्स, आर ग्रेटर देन जीरो, बी एन रियल नंबर, ये सारी चीज़ इसमें सेम रहेंगी। जो नोटेशन है वो इस किस तरफ क्या होगी, जैसे यहाँ पे इसके अंदर हमने ये इधर ओपन ब्रैकेट लिए ऐसा ओपन स्पेस, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे नोटेशन पे, तो हम इसको क्या कर देंगे फिर क्लोज कर देंगे। और इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो आपके पास आएगी, इट इज अगेन द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंगिंग टू एक्स फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्स एंड ए इज नाउ लेस देन और इक्वल टू आर। तो क्लोज्ड में जैसे एक तरह से बाउंड्री उसकी इंक्लूड हो जाएगी, तो इसमें हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो या लेस देन आर होगा या इक्वल टू आर होगा। ऐसे सभी इस एक्स का जो सेट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, क्लोज्ड स्फीयर या क्लोज्ड बॉल आएगा, क्लोज्ड स्फीयर या क्लोज्ड बॉल। तो अब अगर हम इसमें बात करें इसके नोटेशंस की, तो सेम लाइन पे जैसे आपने उधर नोटेशंस लिए, तो इसकी जो नोटेशन है वो फिर से हम ओपन ब्रैकेट के इधर क्या लेंगे, क्लोज एस ई आर, और अनदर नोटेशन व्हाट यू टेक, यू कैन टेक दिस एस बी आर, अगेन दिस इज अ क्लोज ब्रैकेट, और वन मोर नोटेशन इज व्हाट, ई ए आर। एनी ऑफ द नोटेशंस यू कैन यूज फॉर दिस क्लोज पीर और क्लोज फॉर, but again the main thing if we talk about this open sphere, so we have to keep in mind this, and if we talk about the closed sphere, so we have to keep in mind this. So difference isme kya hai ki isme jo distance x aur y ke beech mein hai open mein wo less than r aayega, aur jo closed sphere ya closed ball hai uske andar hum kya kahenge isme distance jo aayega that will be less than r। तो इन्हीं डेफिनेशंस के बेस पे हम अलग अलग स्पेसिस के लिए या आप ये कहिए अलग अलग सेट्स के लिए हम इसमें ओपन और क्लोज स्फीयर या ओपन और क्लोज बॉल इसमें डिफाइन कर सकते। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है, अगर हम जैसे भाई ये हमने कहा भी एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, तो जैसे ही ये सेट चेंज होगा तो ये डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा जो मीट्रिक होगी। तो हम सबसे पहले जो आपकी यूजुअल मीट्रिक है, हम यूजुअल मेट्रिक को लेके चलते हैं, लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग द यूजुअल मेट्रिक। तो आई एम गोइंग टू टेक दिस एग्जांपल नंबर वन, तो बेसिकली इसमें आपके आपके पास क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर for the usual metric for r is a set of real numbers, that is this is negative infinity to positive infinity। So iske andar aapko open square students nikalna hai, तो इसका आप सॉल्यूशन देखिए। तो ओपन स्फीयर की आपको बताया डेफिनेशन, जो अगर हमने बात की में डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन आर, तो उन सभी एक्स का जो सेट आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, इधर ओपन स्फीयर का नाम। तो बट आप ये देखिए इसमें जो सेट एक्स आपको दिया है वो दिया गया है सेट ऑफ रियल्स, सेट ऑफ रियल्स। तो क्योंकि ये यूजुअल मीट्रिक है, तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस है एक्स और वाई दो पॉइंट्स के बीच में, जब दोनों की दोनों रियल नंबर होंगे तो वो क्या आएगा, मोड ऑफ एक्स माइनस, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू दिस सेट ऑफ रियल्स, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू दिस सेट ऑफ। तो जितने भी एक्स वाई आपके रियल नंबर्स आएंगे उन सभी के लिए जो हम डिस्टेंस है यूजुअल मीट्रिक के अंदर वो लेते हैं मोड ऑफ एक्स। अब जैसे हमें क्योंकि ओपन स्फीयर बनाना है, तो हम एक रियल नंबर ए मान के चल दैट ए बिलोंग्स टू आर, तो
आर आपको पता, आर इज अगेन ग्रेटर देन जीरो, एनी रियल नंबर, रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ओपन स्फीयर। तो ओपन स्फीयर की आपने देखिए अभी जो डेफिनेशन लिखी है, एस आर ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंग टू एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्स एंड ए इज लेस देन आर। तो आप यहाँ पे क्योंकि एक्स आपके पास क्या है, आर की इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, एक्स को आर पुट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंगिंग टू दिस आर फॉर विच, अब डी एक्स ए, डी एक्स आपके पास क्या आएगा, जैसे देखिए ये आपके पास है डी एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो डी एक्स आपके पास आएगा मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन आर, मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन आर। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसमें देखिए कि एक्स की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू आएंगी। तो आप इसमें क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंग टू आर फॉर विच, अब आपको पता है हम एक ये रिजल्ट पढ़ते हैं कि भाई अगर मोड एक्स लेस देन ए है तो जो एक्स की वैल्यू है वो इसके माइनस और प्लस के बीच में लाई जाएगी, माइनस ए टू प्लस ए। तो सेम रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस आर लेस देन एक्स माइनस ए प्लस आर। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब हम क्या करेंगे, इसमें तीनों टर्म्स में ए ऐड कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा ए माइनस आर लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है हमें एक्स की वैल्यूज देखनी है, इसमें एक्स की वैल्यूज क्या है। तो आप एक्स की वैल्यूज अभी देखिए, ये आ गए ए माइनस आर से ए प्लस आर का, हम इसको ये कह सकते हैं इट इज ए माइनस आर टू ए प्लस माइनस आर टू प्लस आर। तो यहाँ से एक जो चीज़ निकल के आती है स्टूडेंट्स, वो ये आती है कि रियल लाइन के अंदर जब हम बात करते हैं यूजुअल मैट्रिक्स की, तो उसमें जो ओपन स्फीयर है वो कैसे आएंगे, ओपन इंटरवल्स आएंगे। तो जो कंक्लूजन है वो हमारे पास यही है कि जो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट, फ्रॉम हेयर कैन से दैट, वी कैन से दैट ओपन स्फीयर्स ऑन द रियल लाइन, ओपन स्फीयर्स ऑन द रियल लाइन और ओपन इंटरवल और ओपन इंटरवल। ओपन स्फीयर जो होते हैं वो हमारे पास थ्री लाइन में क्या होते हैं, ओपन इंटरवल। आपको ये दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो आप कहेंगे डिस्क्राइब ओपन स्फीयर फॉर द यूजुअल मैट्रिक्स फॉर आर, और या फिर आपसे डायरेक्ट इसको शो करना, शो दैट ओपन स्फीयर्स ऑन द रियल लाइन आर ओपन इंटरवल। तो इस पे बेस्ड हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, अगर आपको कॉल करना है ऑफिस में, जैसे हम इसमें एक कॉमन एग्जांपल हो गया, अगर हम इसमें वैल्यूज चेक करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप आपको निकालना है स्फीयर विद सेंटर जीरो, विद सेंटर जीरो रेडियस 1/8, क्योंकि एस ए आर, एस ए आर ये ध्यान रखना, ये हमारे पास स्टूडेंट्स का होता है सेंटर होता है, और ये क्या आएगा इसमें रेडियस आएगा, तो ये क्या आएगा हमारे पास रेडियस आएगा। तो आप डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिर से, तो जो डी है, डी है वो इसमें यूजुअल मैट्रिक्स दी गई, डी एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस, तो इसी रिजल्ट का यूज करते हुए हम इसमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। और इसमें एक कंडीशन और आपको दी गई है, उसको भी समझिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल जीरो,
तो इसमें आपको डिस्टेंस जो दिया है एक्स वाई के बीच में, मोड एक्स माइनस वाई दिया है, एक्स वाई पे भी हमने इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वो 0 1 क्लोज इंटरवल एक्स वाई की वैल्यू उसके बीच में। तो आप ये देखिए कि अगर हम S01/8 इसमें कंप्यूट करना चाहते, तो S01/8 इक्वल टू, आप प्रीवियस एग्जांपल देखिए जिसमें अभी हमने क्या निकाला था, इधर अभी हमने कंप्यूट किया था SAR, और वो स्टूडेंट्स हमारे पास आया था A-R से A+R का ओपन इंटरवल। मीन्स टू से आप सेंटर में से क्या करेंगे, रेडियस को माइनस करेंगे, सेंटर के अंदर रेडियस की वैल्यू को ऐड कर, तो आप इस प्रोसीजर को इसमें फॉलो कीजिए। तो ये क्या बनेगा था, 0-1/8, 0+1। एग्जाम में आप वो प्रोसेस, वो दो तीन लाइन इसमें फॉलो करके इस रिजल्ट तक आ सकते। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/8 to +1/8, -1/8 to +1/8। लेकिन अब आप ये देखिए जो कंडीशन हमें दी गई है, जब भी एक्स वाई की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो वो 0 से स्टार्ट हो गया। आप देखिए अगर हम रियल लाइन पर बात करें तो ये इधर 0 है, तो -1/8 इधर लाई करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो एक्स वाई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी इधर जाएगी, लास्ट कहाँ तक जाएगी, वो 1 तक जाएगी। मैंने इसको तो ये आप देखिए इसमें हमें -1/8 से 1/8 का भी ओपन स्फीयर नहीं होगा, कब, जब एक्स वाई पर रिस्ट्रिक्शन लग जाए। अगर मान लो एक्स वाई पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हमारा यही तक आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। बट इफ एक्स वाई पर रिस्ट्रिक्शन है, जब वो 0 1 है, उस केस में हम इसकी वैल्यू जो स्टार्ट करेंगे तो उसे ही इशू। और इधर हमारे पास तो ये हम कहेंगे जो स्केयर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 1/8 आ जाएगा अगर एक्स वाई की स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इसी इसी वे में आप बहुत सारी और प्रॉब्लम्स इसके अंदर ट्राई कर। अब अगर हम बात करते हैं जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर है, दैट इज क्लोज्ड स्फीयर। अगर एक्स हमारे पास फिर से आर के इक्वल है और मीट्रिक तो हमारे पास यूजुअल है ही, तो इसलिए डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, उधर मोड एक्स माइनस वाई ले लेंगे। अब अगर हमें इसमें कंप्यूट करना है SAR, मीन्स टू से नाउ दिस इज द क्लोज स्फीयर, क्लोज स्फीयर। तो SAR स्टूडेंट्स क्या होएगा, इन सेट ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंग टू दिस आर फॉर विच दिस मोड एक्स माइनस ए इज लेस देन आर, क्योंकि क्लोज है तो यहाँ पे हम इक्वल साइन इंक्लूड करते हैं। तो अब आप ये देखिए फिर से अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, सेम प्रोसेस जो आपने पिछले उसमें एग्जांपल ट्राई किया तो वही कीजिए आप यहाँ पर, माइनस ए सॉरी माइनस आर लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू आर। तो फिर से आप ए हर एक टर्म में ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा ए माइनस आर लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन आर। वी नीड टू से जो क्लोज्ड स्फीयर आएगा वो हमारे पास ए माइनस आर से ए प्लस आर। तो फिर से हम यही कह सकते हैं कि जो रियल लाइन पे क्लोज्ड स्फीयर है वे क्या होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें क्या कहेंगे, क्लोज्ड स्फीयर आर नथिंग, दीज आर द क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज। तो इन इन से जो रिजल्ट निकल के आता है, जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये आता है कि अगर हम यूजुअल मीट्रिक ले रहे हैं, यूजुअल मीट्रिक ले रहे हैं फॉर व्हाट एक्स इज इक्वल टू दिस आर सेट ऑफ रियल्स,
उस केस में जो ओपन सेट है, या ओपन स्पीयर है, वो क्या आएगा हमारे पास, ओपन इंटरवल साइन। और अगर हम इसी में स्टूडेंट्स बात करते हैं क्लोज्ड स्पीयर की, तो हमारे पास इसमें क्या आएंगे, क्लोज्ड क्लोजिंग। इस तरह से हम कोई भी जैसे मैट्रिक्स स्पेस है तो उसमें रियल लाइन के लिए हम ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर इसमें कंप्यूट। एक्स की वैल्यू अगर हम इसमें चेंज कर देते हैं, सपोज कीजिए आप ले लेते हैं एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपको पता है क्या होगा हमारे पास, आर क्रॉस आर का आर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, आर का आर के साथ क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। और इसमें आपको पता हम इसको ले सकते हैं वाई, फिर बोथ एक्स वाई इक्वल्स टू आर कार के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस केस में ऑर्डर पेयर आएगा रियल नंबर्स का, तो हम लिखते हैं। बट स्टूडेंट्स अगर अब हम बात करते हैं कि जो डिस्टेंस है इनके बीच में कैसे कंप्यूट किया जाता है, जब एक्स इक्वल टू हमारे पास आर स्क्वायर आएगा, तो जैसे मान लीजिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो यूजुअल मीट्रिक है, जैसे आप जेड वन जेड टू निकाल लीजिए, इसमें तो जो जेड वन है वो हम स्टूडेंट्स मान के चल पड़ते हैं कि एक्स वन वाई वन है, जेड टू है वो हमारे पास, ये जेड वन जेड टू दोनों के दोनों हमारे पास, जेड वन और जेड टू किसको बिलोंग करने वाले हैं, एक्स को। एक्स क्या हमारे पास यहाँ पे, इसमें ऑर्डर पेयर आएगा, तो जो डिस्टेंस निकाला जाएगा वो हम क्या करेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वेयर प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्क्वेयर, वाई वन माइनस वाई। तो ये हमारे पास है आर स्फीयर के लिए, जब हमें इसमें क्या निकालना है, क्लोज स्फीयर या ओपन स्फीयर निकालना। तो अगर हम इसके अंदर ओपन स्फीयर की बात करते हैं, ओपन स्फीयर की हम बात करते हैं, तो हम इसमें फिर से सपोज कीजिए हम निकाल रहे हैं इधर से एस, और जैसे आपने उधर जेड वन जेड टू लिए, तो हम यहाँ पे जेड नोड उसका सेंटर होगा, जेड नोड जो है हम जैसे हमने इधर डिफाइन किया इनको एक्स वन वाई वन जेड वन को, और एक्स टू वाई टू डिफाइन किया जेड टू को, तो जेड नोड हम क्या लेंगे इधर से एक्स नोड, तो एस एस आर जेड नोड स्टूडेंट्स को क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज जेड बिलोंगिंग टू दिस आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर फोर बीच। अब ये जो जेड है ये हम इसमें डेफिनेटली एक्स वाई लेके चलेंगे, तो जेड से जेड नोट का डिस्टेंस, जेड से जेड नोट का डिस्टेंस, मीन्स टू से हम ये क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड नोट, दैट मस्ट बी लेस आर। तो जैसे आपने जेड वन जेड टू के बीच में डिस्टेंस डिफाइन किया, तो आप ऐसे ही जेड और जेड नोट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये बनेगा जेड बिलोंग टू स्क्वायर, और जेड जेड नोट का मीनिंग क्या होगा कि जो स्क्वेयर रूट ऑफ दिस, स्क्वेयर रूट ऑफ दिस एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वेयर, एक्स कोऑर्डिनेट अभी देखिए जेड का एक्स है, जेड नोट का एक्स नोट है, इधर जेड वाई कोऑर्डिनेट वाई है, ये वाई नोट है, तो इधर आ जाएगा प्लस वाई माइनस वाई नोट स्क्वेयर इज।
तो जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेस देन आर है, लेस देन आर के मतलब अब हम क्या कहेंगे, अगर हम इसको इस तरह से लिखें एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई नोट स्क्वेयर के रूट लेस देन आर, तो अगर स्टूडेंट्स आप इसकी स्केलिंग करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई नोट स्क्वेयर लेस देन आर स्क्वेयर लेस देन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई ये अब आप देखिए, अगर मैं इसको एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई नोट स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर रख देता हूँ, तो ये सर्कल की इक्वेशन आएगी जिसका सेंटर हमारे पास आएगा एक्स नोट वाई नोट और रेडियस का आएगा। लेकिन क्योंकि हम लेस देन कह रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ओपन स्फीयर बनेगा एक्स इक्वल टू आर स्क्वेयर के अंदर वो क्या आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, ये उसके इंटीरियर के पॉइंट कंटेन करेगा किसके, सर्कल के, या ये वो विच लाई विद इन द सर्कल, विच लाई विद इन द सर्कल। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये तो इन दिस केस हम इसको थ्योरेटिकली लिखना चाहें, इन दिस केस ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर कंटेन्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, ऑफ द कार्टेशियन प्लेन विच लाई विद इन द सर्कल। सर्कल आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई नोट स्क्वेयर इक्वल। तो इस सर्कल का जो इंटीरियर आएगा वो हमारे पास इसमें, इसका मतलब स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ कि जो ओपन स्फीयर आ गई वो हमारे पास ओपन डिस्क आ गई, दैट विल बी ओपन। जैसे एक्स इक्वल टू आर के अंदर हमारे पास जो ओपन स्फीयर आया था वो हमारे पास क्या आया था, ओपन इंटरवल आया था, क्या था, ओपन इंटरवल आया था। तो इसी तरह से जब हम एक्स इक्वल टू आर स्क्वेयर की बात करते हैं तो उसमें जो ओपन स्फीयर आएगा वो हमारे पास क्या आएगी, ओपन डिस्क आएगी, क्या आएगी हमारे पास, ओपन डिस्क आएगी। कैलकुलेशंस इसकी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम एक्स इक्वल टू आर के अंदर करते हैं, सिर्फ आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो मीट्रिक है वो मीट्रिक किस तरह से डिफाइन की जाती है, जब आपको एक्स इक्वल टू आर दिया गया हो और जब आपको एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर दिया, तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, ओपन स्फीयर क्या आएगा, ओपन डिस्क आएगा। और सिमिलरली हम स्टूडेंट्स इसमें क्या कह सकते हैं कि जो क्लोज्ड स्फीयर है वो क्लोज्ड डिस्क आएगा, तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे, क्लोज्ड स्फीयर इज द क्लोज्ड डिस्क। तो ये आप लोगों से बहुत बार एमसीक्यू में इस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं कि एक्स इक्वल टू आर है तो उसमें ओपन स्फीयर क्लोज स्फीयर होगा कौन सी। सिमिलरली आप अगर एक्स इक्वल टू आर स्क्वेयर लेते हो तो उसमें आपसे ओपन स्फीयर या क्लोज स्फीयर के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स इन मैट्रिक्स स्पेस, क्लोज सेट्स इन। ये टॉपिक था हमारे पास ओपन स्क्वेयर क्लोज स्क्वेयर का, अब इसी की कंटिन्यूस में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो अगर हम बात करते हैं पहले नेबरहुड ऑफ ए
अब हमें किसी पॉइंट की इसमें नेबरहुड डिफाइन करके देनी है, तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डेफिनेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो उसको कैसे ले सकते हैं। जैसे एक्स डी हमने फिर से क्या लिया है, इसके अंदर मैट्रिक स्पेस लिया है, इज एनी मैट्रिक स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। ए हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, कोई भी, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जैसे हमने कहा भी नेबरहुड ऑफ पॉइंट, या जो इसमें दूसरी डेफिनेशन बनेगी वो इंटीरियर पॉइंट की बनेगी, डेफिनेशन इसी के साथ इंटीरियर पॉइंट डेफिनेशन हम इसमें क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो इंटीरियर पॉइंट। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जैसे ए सबसेट एक्स का, तो कोई भी पॉइंट ए है जो ए को बिलोंग करता है, दिस ए बिलोंग टू ए, द पॉइंट ए बिलोंग टू ए इज कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट ए, इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट ए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए पे सेंटर्ड, सुनो आपने, इस ए पे सेंटर्ड हमें एक स्फीयर दिखाना पड़ेगा, ए पे सेंटर्ड हमें ओपन स्फीयर दिखाना पड़ेगा, तो इस ए का क्या आ जाएगा सबसेट आ, तो ये जो पॉइंट ए है वो हम क्या कहेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन विद रेडियस, रेडियस हम उसमें सपोज कर लीजिए आर मान लेते हैं विद रेडियस, ये पॉइंट आपका वही रहेगा जिसका हमें उसको क्या बताना है इंटीरियर पॉइंट बताना, वो पॉइंट हमें ये लेना है, रेडियस इसमें आर को भी हो सकता है, तो हम इसमें कह रहे हैं पॉइंट ए बिलोंग टू इज कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए देयर एग्जिस्टेंस के सेंटर विद रेडियस आर सच दैट this a belongs to this open sphere s r a, this is contained, this is contained in a। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम जैसे, अब आप यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैंने इसमें एक स्ट्रक्चर लिखा a belongs to s r a contained in a, तो यहाँ से अगर हम इस a की तरफ से बात करते हैं तो ये ए कहलाएगा, ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इसी एक स्ट्रक्चर से हम यहाँ पे तीन डेफिनेशन लिख के बताएंगे, ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए फर्स्ट होगी, दिस वन इज द फर्स्ट, सेकंड हम अगर कैपिटल ए की तरफ से बात करते हैं, अगर ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में हम जो कैपिटल ए है उसको ये कहेंगे दिस इज द नेबरहुड ऑफ ए, दिस इज नथिंग, दिस इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, दिस ए इज कॉल्ड द नेबरहुड, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग इट एन एच डी, ए इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। और थर्ड जो डेफिनेशन स्टूडेंट्स यहां से निकल कर आती है, हम इस ए को ओपन सेट का भी नाम दे सकते हैं, इज एन ओपन, जब भी हमें किसी भी पॉइंट को, सॉरी किसी भी सेट को अगर ओपन सेट प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, जितने भी उसके पॉइंट्स हैं उस सेट के अंदर उन सब को उसका इंटीरियर पॉइंट शो कर देंगे, और इंटीरियर पॉइंट को शो करने के लिए ये सबसे बढ़िया स्टेप, ये सबसे बढ़िया कंडीशन, ये कंडीशन आप लोगों ने तीन डेफिनेशंस के लिए याद रखनी है, आइदर यू हैव टू चेक दैट एनी पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट और नॉट, और एनी सेट इज द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट और नॉट, और द सेट इज ओपन और नॉट। तो तीनों के अंदर से एक ही डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोगों को इसमें फॉलो करना, तो फर्स्ट हमारे पास है ए, स्मॉल ए की बात करेंगे तो वो इसे एक इंटीरियर पॉइंट आएगा, कैपिटल ए की बात करेंगे तो स्मॉल ए की नेबरहुड आएगी, या आप क्या कह सकते हो सेट ए आएगा दैट विल बी ओपन सेट।
स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, जिससे नेक्स्ट हम इसके मिड स्पेस में जितने भी इंटीरियर पॉइंट, आगे एडेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट या और जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरम्स, उनके एग्जांपल्स, वो सब इसमें सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स जल्दबाजी में सीखने का सब्जेक्ट नहीं होता है, तो धीरे धीरे बड़े प्यार से सीखा जाता है, तो इसलिए एक एक पॉइंट वो छोटा छोटा आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आप खूब मेहनत कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो बगैर प्रैक्टिस के सोल्व नहीं हो सकता। तो अगेन थैंक यू ऑल द व्यूअर्स।